डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कहता है, युक्ल विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन में 5 नंबर लाने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ हल। तो सबसे पहले इसको हम मान के बनाते हैं। तो यहाँ पे मानेंगे कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यह 3q, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। मतलब अगर ये धनात्मक पूर्णांक होगा तो ये 3q, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि इस धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब होता है जिसका पावर 3 आता हो, उसको हम घन बोलते हैं। तो इस धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 स्टेप में बनाया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, इसमें हमको बोल रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है। तो मेरा धनात्मक पूर्णांक था 3q, तो 3q का हम घन किए, तो 3q को हम 3 बार गुना किए, तो 3q गुने 3q गुने 3q, तो हमको 9m के रूप में लाना था ना। तो हम क्या किए, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो 3 3 को यहाँ से निकाल लिए, तो 3 3 9 हो गया, और ये वाला 3 बच गया था, तो यहाँ पे 3 लिखे, और 3 को q, एक ये q और एक ये q, ये 3 क्यू बच गया था, तो 3 क्यू का q हो गया। तो 9 को हम बाहर लिए और ये 3 क्यू का q था, इसको हम कोष्ट में रख लिए। फिर बराबर करके क्या किए, हमको 9m में लाना था, तो हम 9 लिख दिए, और ये जो मेरा पूरा 3q था इसको हम m मान लिए, ठीक है। तो ये हो गया 9m, और ये m, ये 3q जो है इसको बगल में हम लिख लिए, जहाँ m बराबर 3q का q, ठीक है। तो ये मेरा पहला स्टेप क्लियर हुआ, 9m आ गया, ठीक है। अब चलते हैं इसका स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में मेरा जो दूसरा था 3q प्लस 1, दूसरा धनात्मक पूर्णांक था 3q प्लस 1, तो इसका भी हम क्या किए, a प्लस बी का होल क्यू वाला फॉर्मूला लगाए। तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो aq, तो ये जो मेरा 3q है इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मेरा ये जो 3q है ये मेरा a है, तो इसका q, तो 3q का q यानी aq प्लस bq, यहाँ bq है ना, तो b मेरा 1 है, तो 1 का q, और प्लस 3ab, तो 3 मेरा यहाँ a हुआ सूत्र से, और a मेरा q था 3q, तो यहाँ पे 3q हो गया, और b मेरा 1 था तो यहाँ पे 1 हो गया, तो 3ab, ठीक है। और इनटू कोष्ट घेर लिए, ए प्लस बी, तो ए मेरा 3q था और प्लस बी मेरा 1 था, तो ए प्लस बी हो गया, ठीक है, ये हम सूत्र पे बैठा दिए। फिर आगे क्या किए, ये जो 3q का जो q था इसमें से हम क्या किए, 9 बाहर ले लिए, और इसमें बच गया 1, 3 बच गया, और q का q बचा, तो यहाँ पे लिख दिए 3q का q, और प्लस ये जो मेरा 1 का q था इसको हम यहाँ पे बाहर ले आए, ठीक है, बाहर में ले आए, क्योंकि हमको 9m प्लस 1 लाना था इसलिए। तो यहाँ पे मेरा ये जो 3 था, ये 3 और 3, 3 3 9, और 9 को 1 से गुना किए तो 9 हुआ, और ये q, और ये 3q प्लस 1 को हम कोष्ट में लिख लिए, और ये जो 1 है ये यहाँ वाला 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर क्या किए, ये जो मेरा 9 है यहाँ पे 9 उतर गया, और ये 3q का q यहाँ पे, और इसको हम क्या किए, ये जो 9 था इसको 3 से गुना किए, 9 3 27, और ये q और ये q, तो q स्क्वायर हो गया। और फिर हम क्या किए, ये जो 9 था 9q, इसको 1 से गुना किए तो 9q ही हुआ, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, तो प्लस प्लस प्लस, ये 9q हो गया। ये मेरा मजली कोष्ठ था, इसको हम कोष्ठ घेर लिए और 1 को बाहर ही रखे रहे। अब अगला स्टेप में हम क्या किए, ये जो मेरा 9 था ये 9 है, और ये जो पूरा है ये पूरा को हम m मान लिए, क्योंकि हमको सिद्ध करना था,
लाना था हमको m के रूप में, तो ये पूरा को हम m मान लिए, तो ये हो गया 9m, और ये जो 1 था यहाँ पे आ गया था 9m प्लस 1 हो गया, और हम जो माने थे उसको हम लिख भी लिए कि m बराबर 3q का क्यू प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। ठीक है, अब इसका हम अगला स्टेप चलते हैं। स्टेप थर्ड, ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या था, इसका धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 2 था, तो इसका होल क्यू किए, फिर हम वही फॉर्मूला लगाए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ए मेरा था 3q, तो यहाँ इसका क्यू कर दिए, और प्लस बी क्यू, तो बी मेरा 2 था तो इसका क्यू कर दिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab, तो 3 मेरा सूत्रस्थ था, और ए था मेरा 3q, तो यहाँ ए कर दिए 3a, और बी 2 था यहाँ पे 2 कर दिए, इंटू ए प्लस बी होता है फॉर्मूला, तो ए मेरा 3q तो यहाँ पे 3q कर दिए, प्लस बी मेरा 2 था तो 2 कर दिए, तो ये मेरा फॉर्मूला पे ये पहला, ये मेरा फॉर्मूला पे ये बैठ गया। अब हम इसको अगला स्टेप में क्या, अगला में क्या किए, ये जो मेरा यहाँ 3q था इसमें से हम 9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 3q का क्यू बचा, यहाँ पे लिख दिए, और प्लस ये जो 2 का जो क्यू है इसको हम बाहर ले लिए, बाहर निकाल लिए, क्योंकि हमको हमको सिद्ध करना था कि 9m प्लस 8 के रूप में, तो 8 को हम बाहर ले लिए। अब यहाँ पे ये 3 दिया 9 और 2 18, 18 क्यू को हम यहाँ लिख लिए, और ये जो 3q प्लस 2 था इसको हम कोष्ठ में घेर लिए, और मझली कोष्ठ से इसको घेर लिए। फिर आगे क्या किए, 9 था, 9 को यहाँ पे ले लिए और 3q का क्यू रहने दिए, और इसको 18q को 3q से गुना किए, था 18 दिया 54 और क्यू स्क्वायर हो गया, और प्लस 18 दुना 36 क्यू कोष्ठ घेर लिए प्लस 8। उसके बाद ये 9 रहा, और ये जो पूरा ये है इसको हम m मान लिए, तो m हो गया, तो ये हो गया 9m प्लस 8, तो इसको हम लिख भी दिए कि जहां m बराबर 3q का क्यू प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36 क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या किए, जो भी हम काम किए थे, ठीक है, तो सबको हम लिख लिए कि समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये मेरा जो सवाल था इस टाइप से बनता है, एक बार फिर हम रिमाइंड कर देते हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्लास 10वां का ये क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में पूछने वाला ये प्रश्न है, 5 नंबर या 3 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, तो ऐसा जब क्वेश्चन रहता है तो इसको हम मानते हैं, मान के बनाते हैं, तो यहाँ पे मान लिए कि माना कि एक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसको हम मान लिए धनात्मक पूर्णांक है, तो जब ये धनात्मक पूर्णांक होगा तो ये 3q प्लस 1 या 3q प्लस 8 के रूप का होगा। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि इस धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसमें हम 3 स्टेप मान के बनाते हैं। इसका जो पहला स्टेप था इसका 3q, तो इसका घन धनात्मक पूर्णांक का घन बोला था इसलिए हम इसका क्यू कर दिए, तो 3q को हम 3 बार गुना किए, तो 3q × 3q कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या किया, हमको 9m के रूप में लाना था, तो 9 को बाहर लिए और ये 3q का क्यू हो गया। फिर आगे क्या किया, हम 9 को बाहर लिए और ये जो पूरा 3q का क्यू था इसको हम m माने, तो ये मेरा 9m के रूप में आ गया, और बगल में हम लिख भी दिए कि जहाँ m बराबर 3q का क्यू। ठीक है, फिर इसका हम क्या किए सेकेंड स्टेप में भी वही काम किए, इसको क्या किए, इसमें 3q प्लस 1 इसका q किए, तो फॉर्मूला लगाए a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ ए क्यू था तो 3q का q किए, प्लस बी क्यू तो 1 का q किए, प्लस 3ab और 3q प्लस 1। फिर क्या किए, आगे इसको हम सॉल्व किए, तो ये 9 बाहर आ गया और 3q का q, अब प्लस ये जो 1 का q था इसको हम बाहर ले लिए, और ये 3 × 3 = 9 q यहाँ उतर गया और ये वाला कोष्ठ में आ गया। फिर आगे सॉल्व किए तो ये 9 बाहर रहा, 3q का q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, और ये प्लस 1 हो गया। फिर हम क्या किए, इस पूरे को हम m माने,
तो ये हो गया 9m+1 और लिख भी दिया जहाँ m बराबर 3q का क्यू और +27q2 +9q। ठीक है, फिर ये दो स्टेप हो गया क्लियर। अब इसका तीसरा स्टेप, स्टेप थर्ड, इसमें भी वही काम किए, 3q+2 था तो इसका होल क्यू किए और फॉर्मूला पे इसको यहाँ बैठा दिए, फिर इसको सॉल्व किए आगे, इसको सॉल्व किए तो इस पूरे को हम m मान लिए यहाँ पे, तो 9m+8 हुआ। और हम लिख भी दिए कि जहाँ m बराबर 3q का q + 54q2 + 3q। और लास्ट में हम क्या किए, जो भी हम काम किए थे सबको हम लिखे, स्टेप फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है।